बेगा आदिवासी की जमीन बचाने लड़ाई जारी रहेगी। विकास यात्रा में भूमि पूजन समारोह का हुआ आयोजन। जागपुर टेकाडी व बगदरा से एक साथ प्रारंभ होगी यात्रा, श्री विष्णु धाम में होगा समापन। बालाघाट अंतर्गत आने वाले बेहर तहसील में शासन प्रशासन के द्वारा करोड़ों की राशि से जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, जो कि वन से लगा हुआ ग्राम पंचायत किनारदा के अंतर्गत वन ग्राम पोला पटपरी के नजदीक बनाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय राष्ट्रीय मानव बेगा जनजाति एवं आदिवासी समुदाय के लोगों की भूमि पर बनाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय एवं बेगा जनजाति के लोगों का कहना है कि हमारी भूमि हमारी माँ है और हम अपनी भूमि देकर जलाशय नहीं बनाने देंगे, किंतु ठेकेदार तथा प्रशासन के लोगों के द्वारा जबरन दबाव बनाकर डरा चमका कर कार्य चालू कर दिया गया है। आदिवासी एवं बेगा परिवारों के द्वारा शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटाकर परेशान होने के बाद सामाजिक संगठन राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा बालाघाट से मदद मांगी गई। जी पोला जी, हमारे जमीन में जलाशय बना जा रहा है, उसको रोक लगाने को हमारी खेती समस्या है, इसलिए हम नहीं बनना चाहिए। और चूंकि बांध ऐसे जगह पे बनाया जा रहा है, उसके नीचे 8-10 गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आएंगे और उसके रिसाव के अंतर्गत यहाँ तो पूरा दलदल बन जाएगा, ये कहाँ खेती कर पाएंगे, ये समस्या आएगी। और ऊपर से क्या है, हमारा जो निस्तारी का जो जंगल है ये भी डूब क्षेत्र में आएगा, यहाँ भी वन संपदा को पूरा नुकसान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास यात्रा चल रही है। इसी तारतम्य में आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से विकास यात्रा चल रही है। आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामटा मंडल की ग्राम पंचायत शेखी में 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत चरे गांव में 30 लाख की लागत से वन रक्षक आवास भवन, ग्राम पंचायत मोरिया में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत लामटा में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत टाकाबर्रा में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का भूमि पूजन मंत्री श्री कावरे के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट अंतर्गत आने वाली शाखा लामताक में कलेक्टर व बैंक प्रशासक डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में आरसी पटेल सीईओ जेएस के बैंक बालाघाट द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान पी जोशी प्रबंधक लेखा उपस्थित रहे। बैठक में श्री पटेल ने शाखा लामता में कालातीत सदस्यों की वसूली हेतु ग्रुप नहीं बनाए जाने को लेकर कहा कि आज ही ग्रुप बनाएं। श्री पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि मुख्यालय से कोई निर्देश दिए जाते हैं या जारी होते हैं तो उनका पालन करें, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। पश्चिमी सभ्यता के वैलेंटाइन डे के अवसर पर लागू फुहड़ता के बजाय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर धर्म के प्रति जागृत हो, इसके लिए आगामी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के अवसर पर श्री विष्णु धाम हीरापुर इमली टेकरा के लिए मंगल पदयात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में श्री विष्णु धाम ग्राम मंगल पदयात्रा समिति के पदाधिकारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि 14 फरवरी को श्री विष्णु धाम के लिए तीन गांव जागपुर टेकाडी व बगदरा से यात्रा एक साथ निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान लोगों को धर्म संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। ये विष्णु धाम मंदिर में सुबह 11 बजे पहुँचने का लक्ष्य रखा है। तो पहला केंद्र हमारा जागपुर है, तो जागपुर से मंझारा, मंझारा से टवेझरी, आंवलाझरी, भरवेली, हीरापुर, ऐसा एक केंद्र की यात्रा ऐसे होते हुए हीरापुर पहुंचेगी। दूसरा हमारा केंद्र है टेकाड़ी, टेकाड़ी से धनसुआ, धनसुआ से मानेगांव, हीरापुर और विष्णुधाम मंदिर। तीसरा जो केंद्र है हमारा बगदरा, बगदरा से अमेड़ा, अमेड़ा से बड़ा हीरापुर, मुंडी माई, हीरापुर होते हुए विष्णुधाम। ऐसे तीन केंद्र हमने बनाए हैं, तो लगभग 13 गाँव इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और ये सभी केंद्रों से यात्रा एक ही स्थान पर पहुँचेगी। लालबर्रा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत जाम के ईदगाह खेल मैदान में गत 28 जनवरी से आयोजित गोल्डन
कप, टेनिस बॉल, क्रिकेट प्रतियोगिता, रोमांच से भरपूर रही जाम में क्रिकेट प्रतियोगिता का महासंग्राम खिताबी मुकाबले को लेकर था, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों ने, जुनून ने भी खेल प्रतियोगिता को छू लिया। फाइनल भिड़ंत किरनारपुर के किन्ही मध्य प्रदेश तथा दुर्ग के कुमहली छत्तीसगढ़ के बीच थी, जिसमें रोमांच मुकाबला बराबरी का रहा और हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। मैच का निर्णय करने स्टंप बॉल कराने का प्रयास किया गया, जिससे यह नहीं हो सका और फिर दोनों ही टीम के कप्तान साझा जीत के लिए तैयार हो गए और ट्रॉफी के लिए टॉस करवाया गया, जिसमें विजेता की ट्रॉफी किन्हीं के हिस्से में आई, जबकि दोनों ही टीम में प्रथम 1 लाख एवं द्वितीय 50,000 पुरस्कार की राशि मिलाकर दोनों टीमों को 75,000 रुपए सम्मान स्वरूप दिए गए। एक ही बात भारत के लिए सारे लोग एक बात से बहुत प्रभावित है, उनको ऐसा लगता है कि भारत जैसा इतना विशाल देश जहां जाति धर्म सब कुछ अलग है, सब अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग खान पान वेशभूषा सब कुछ अलग है, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बाद भी अगर भारत एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रहा है तो ये अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की सोच का विषय है। मंच पर अभी अतिथि हमारे अटल जी, हमारे मुख्य अतिथि जी आप हमको भी सुनने के लिए है, मैं करता हूँ कभी भी बोल लूंगा तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे योग्य जब भी जिस भी तरीके की काम हो, आपका भाई हमारा हाथ में आपका इंतजार कर रहा है और आपका जिस तरीके से प्यार हमेशा मिलता है वैसा ही मिलता रहे, इस साल प्यार की ज्यादा जरूरत है तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। जो हम खेलते थे तो टुक टुक वाला खेल था, टेस्ट मैच होते थे 3 दिन में और कई बार परिणाम नहीं मिलता था, हार में बदला 50 वनडे आया उससे भी आया, नीचे आईपीएल फटाफट चुके 20 और अब 10 भी आया, परिणाम उसी दिन। तो इस खेल के निश्चित तौर पे बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है और ये स्ट्रेंथ हमारे युवाओं में है तो इनको बढ़ाने का काम तो निश्चित तौर पे होना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म आप देते हैं।